ये त्रि सरोवर है, यहाँ तीन ऋषियों ने जो है तपस्या की है। जब दक्ष प्रजापति ने हाय गुड मॉर्निंग। आज 21 तारीख है, 21 फरवरी, और आज मैं, मम्मी, मीनाक्षी और कामाक्षी हम सब नैना देवी टेंपल आए हैं। मैंने बताया था आपको कल कि आज हम नैना देवी टेंपल जाएंगे और आज ही हमारी क्या कहते हैं ट्रेन की वापसी भी है। 3:15 की ट्रेन है, शताब्दी। तो आज ऊपर थोड़ी सत्यनारायण की कथा भी है मामी के घर में, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, नैना देवी टेंपल। और ये कामाक्षी चल रही है मेरे साथ और मम्मी और मीनाक्षी आगे चल रहे हैं। तो अभी हम नैना देवी टेंपल पहुंचने वाले हैं। नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर स्थित है। 1880 में भूसंकलन से ये मंदिर नष्ट हो गया था। बाद में इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसी से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई है। इस मंदिर के अंदर नैना देवी माँ की 2 नेत्र बने हुए हैं। यही कारण है कि नेत्र जुड़ी समस्याएं यहाँ ठीक होती हैं, वहीं यहाँ मांगी जाने वाली हर मुराद भी पूरी होती है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने के बाद मंदिर के अंदर एक विशाल पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के पार भगवान हनुमान की प्रतिमा है। मंदिर के पवित्र स्थान के अंदर 3 देवताओं के आकार की मूर्तियां हैं। बीच में 2 नेत्र हैं जो कि नैना देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बाई तरफ माता काली देवी और दाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति है। इसी जगह पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है और मंदिर में नंदा अष्टमी के दिन भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। जो कि 8 दिनों तक चलता है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर नैनीताल मुख्य बस स्टैंड से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही बसा हुआ है। नैना देवी मंदिर में नैना देवी की भक्ति करी जाती है और यह मंदिर नैनी झील के उत्तरी सिरे छोड़ में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर की देवी अपने पूर्ण शय में मंदिर में विराजमान नहीं है, बल्कि मंदिर में देवी के 2 नयन अर्थात आँखें ही विराजमान हैं। नैना देवी मंदिर में माँ के नयनों की पिंडी रूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर से नैनी झील और नैनीताल के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद या लुत्फ़ उठाया जा सकता है। अभी झूठा करके भी इन्होंने गिलास फिर वैसे ही रख दिया। लाओ भाई अपने लाओ। शक्ति एक पीठ है, काउन शक्तियों में एक शक्ति है। यहाँ पर सती पार्वती की जो है बाई नैन गिरी है और ये नैनी झील जो है ये त्रिसरोवर है। यहाँ 3 ऋषियों ने जो है तपस्या की है, तो तपस्या करने के पश्चात जो है इन्होंने जो है मानसरोवर से जल को खींचा। तो जब दक्ष प्रजापति ने कनखल में हरिद्वार में जब यज्ञ किया तो पार्वती को निमंत्रण दिया, तो शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो पार्वती शिव जी का अनादर समझ के यज्ञ कुंड में कूद गई। उतने के तत्पश्चात जो है भोले शंकर ने उनको ब्रह्मांड में जो है भ्रमण कराया, तो विष्णु भगवान ने जो है भोले शंकर का रूप देखकर सती पार्वती की जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए सुदर्शन चक्र से। तो बाई नैन हिमांचल में, बाई नैन नैनीताल में, दाई नैन हिमांचल में, कांगड़ा जी में कान, ज्वाला जी में जीव, और यहाँ पर जिस भक्त ने जो मांगा है उसको जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। नैना देवी मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो उल्टे ही हाथ में नैना देवी मंदिर का धर्मशाला भी दिया गया है, जो कि अमर उदय ट्रस्ट वालों की तरफ से चलाया जाता है। तो अगर आप यहाँ भी रुकना चाहें तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं धर्मशाला में। ये नैना देवी मंदिर के साथ में ही है। नैना देवी मंदिर के बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया। यहाँ खाने पीने की बहुत सुविधा है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स यहाँ पर जब आप जैसे बाहर निकलेंगे तो यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं। ये नैनीताल का बोट हाउस क्लब है, जो फेमस बोट हाउस क्लब है वो यही है। यहाँ पे आप पूल गेम हो गया, कोई भी गेम हो गया, आप अंदर जाके खेल सकते हैं। इसकी मेंबरशिप भी होती है। तो ये फेमस है यहाँ का बोट हाउस क्लब नैनीताल का, तो मैंने सोचा आपको एक बार बता देता हूँ। बड़ी ऊपर माल रोड है और ये सीढ़ियाँ आ रही है, आप यहाँ से अंदर जाके सीधा बोट हाउस क्लब भी जा सकते हैं।